आज हम लोग बोटनी स्ट्रीम चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी नाव की चाल शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो दिया गया है उसको लिख लेना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर और अप स्ट्रीम, और शांत जल मतलब होता है स्टिल वाटर, और ये दिया गया हम लोग को 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना दिया गया है। यदि नदी की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नदी की चाल मतलब क्या, धारा की चाल ये बोल रहा है, ठीक है। नदी की चाल मतलब ही धारा की चाल, जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, और वो हम लोग को दिया गया है 2.5 किलोमीटर पर आवर, इतना दिया गया है। तो 15 किलोमीटर जल की प्रवाह के विपरीत जाने तथा लौटने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना घंटा लगेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, तो जल के 15 किलोमीटर प्रवाह के विपरीत, तो प्रवाह के विपरीत विपरीत मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, अप स्ट्रीम में जाएगा, फिर वापस आएगा। तो क्या हो रहा है, इधर जा रहा है मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है, और आ रहा है मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम में आ रहा है। मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को करने में उसको कितना घंटा लगेगा। तो देखिए 15 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, तो यहाँ से 15 किलोमीटर गया तो आएगा भी कितना, 15 किलोमीटर ही आएगा। मतलब दोनों दूरी क्या है, इक्वल है, दोनों दूरी कितना है 15 किलोमीटर करके है। तो अप स्ट्रीम का दूरी कितना है 15 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम का भी दूरी कितना है 15 किलोमीटर। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो सेकेंड्स में अब सॉल्व होगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये क्या करता है, इधर बढ़ाता है इधर जाते हैं, तो क्लियर है। तो 7.5 है, 2.5 इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है, इधर जाते हैं तो क्या करते हैं ऐड करते हैं वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी हम लोग का कितना है 2.5, तो 2.5 इसमें ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। और इसका जस्ट उल्टा ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे कितना 2.5, तो इससे 2.5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हम लोग को मिल गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम में स्पीड मिल गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, ये स्पीड है, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस इधर 15 किलोमीटर होगा और इधर भी 15 किलोमीटर होगा, क्योंकि देखिए 15 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, तो धारा के विपरीत इधर स्पीड कितना है, तो देखिए इधर स्पीड हम लोग कितना मिला 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस कितना, तो 15 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत 15 किलोमीटर गया, और लौटने में ठीक है गया 15 किलोमीटर, तो आएगा तो 15 किलोमीटर ही ना आएगा। क्लियर, तो गया डिस्टेंस 15 किलोमीटर, तो आएगा मतलब डाउन स्ट्रीम में आएगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और उसमें कितना आएगा 15 किलोमीटर आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे दिया गया है लौटने में कितना समय लगेगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस हम लोग का 15 दिया गया है और स्पीड हम लोग का 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड जब करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 आवर आ गया इधर टाइम, तो इधर भी हम लोग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इधर डिस्टेंस कितना है तो 15 है, और टाइम कितना है तो 5 है, स्पीड 5 है, तो टाइम निकल के आ जाएगा, तो 5 दिया 15, 3 घंटा। तो बोल रहा है जाकर वापस आने में, क्लियर, जाकर वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए गया जब इस डायरेक्शन में गया, तो जाने में कितना 3 घंटा लगा, और आने में कितना लगा 1.5 घंटा लगा, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटा और 3 घंटा को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 4.5 घंटा। क्लियर है, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि जाने में कितना समय लगा, तो जाने में इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जाने में कितना लगेगा 3 घंटा। अगर ये पूछता कि आने में कितना समय लगेगा, तो आने में कितना समय लग रहा है, इधर आ रहा है तो आ रहा मतलब क्या, इधर जा रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में कितना 1.5 घंटा, मतलब आने में 1.5 घंटा लग रहा है और जाने में 3 घंटा लग रहा है। तो क्वेश्चन का भी ऐसा भी चेंज करके पूछ सकता है, इसलिए आप लोगों को सब जानना जरूरी है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें दिया गया है ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑप्शन का मदद लेंगे, तो इसमें ऑप्शन दिया गया नहीं है तो हम कुछ ऑप्शन लिख लिए हैं। क्लियर है, और इसका बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे, तो इसका कुल मिला के हम 2 तरीका बताने वाले हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है एक नाव नदी की धारा के साथ तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर आने में तथा जाने में कुल 2 घंटे का समय लेती है। तो यदि नदी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाव की शांत जल में गति बताएं। तो देखिए हम लोग को शांत जल में गति फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला लिखेंगे डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर और अप स्ट्रीम, कितना भी क्वेश्चन पूछ ले इस चैप्टर से हम लोग को ये वाला लिखना ही है। ठीक है, तो देखिए ये वाला लिख लेंगे और पूछा गया शांत जल में गति बताएं, तो शांत जल में गति ये है और ये चारों में से कोई होगा, तो हम ऑप्शन ए मान लेते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये है। क्लियर है, तो शांत जल में गति ये चारों में से कोई होगा, तो हम ये वाला मान लिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, एक नाव
नदी की धारा के साथ, धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम, तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर जाने तथा आने में कुल 2 घंटे का समय लेता है। मतलब इधर डिस्टेंस कितना जा रहा है, तो इधर डिस्टेंस 6 किलोमीटर जा रहा है, और इधर भी डिस्टेंस कितना जा रहा है, तो 6 किलोमीटर बोल रहा है। 6 किलोमीटर जाने तथा आने में, तो 6 किलोमीटर धारा के विरुद्ध गया और फिर आएगा तो 6 किलोमीटर आएगा ना, तो आएगा मतलब इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में जब भी होगा हम लोग डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस लिखेंगे, क्लियर। और इसमें कुल टोटल 2 घंटे का समय लग जा रहा है, क्लियर। तो दोनों को मिला के समय लग रहा है, क्लियर। यदि नदी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नदी का गति हम लोग को दे दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी का गति मतलब क्या, भी दे दिया गया है 4, ठीक है। तो देखिए जब भी हम लोग को पता है, तो हम लोग को पता है इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 4 ऐड हो जाएगा, तो 8 और 4 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इधर घट जाता है, तो इधर अगर घट जाएगा 4, तो 8 से 4 गया तो 4 हो जाएगा, क्लियर। और ये सब स्पीड निकल के आ गया, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है, तो 12 स्पीड है, और डिस्टेंस इतना है, तो हम लोग टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, माइंड में ही फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जरूरत नहीं है कि माइंड में ही करें, लिख के भी थोड़ा सा कर सकते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 6 है और स्पीड हम लोग का 12 है, तो इससे इसको डिवाइड जब करेंगे तो 0.5 आवर होगा, क्लियर है। उसी तरीके से इसमें हम लोग टाइम फाइंड कर सकते हैं, और ये सब हम लोग माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, समझना है इसीलिए थोड़ा सा लिखना जरूरी है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 6 और स्पीड हो गया हम लोग का 4, तो 4 से इसको डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो 1.5 आवर आएगा। अब देखिए कुल मिला के क्या बोला गया था, कि कुल 2 घंटा का समय लगता है जाने और आने में। तो देखिए जाने में, जाने मतलब क्या, ऊपर की ओर जा रहा है, क्लियर, 1.5 घंटा, और आने में कितना, 5 घंटे, 0.5 आवर। तो इधर आधा घंटा हो रहा है, 0.5 मतलब क्या, आधा घंटा, और इधर 1.5 घंटा, तो कितना हो गया, 2 घंटा हो जाएगा। इसको ऐड अगर करेंगे तो कितना होगा, 2 घंटा। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन हिट की मदद से सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अगर पुट करके देखना है तो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, तो इतना आंसर नहीं आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इसका बेसिक तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका बेसिक तरीका, तो बेसिक तरीका में बनाने के लिए भी हम लोग को ये वाला लिखना ही होगा, डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर और अप स्ट्रीम, इतना तो लिख ही लीजिएगा। अब इसमें पूछा क्या गया है, तो इसमें शांत जल में चाल पूछा गया है, क्लियर है। तो शांत जल में चाल हम लोग मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, एक नाव नदी की धारा के साथ तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर जाने तथा आने में कुल 2 घंटे का समय लेता है, ठीक है। डिस्टेंस तो हम लोग को पता है कि इधर कितना है, 6 किलोमीटर है, और इधर भी डिस्टेंस हम लोग को पता है कितना है, 6 किलोमीटर है, क्लियर है। और टोटल टाइम पता है कि 2 घंटा ले रहा है। यदि नदी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब वेलोसिटी हम लोग को दे दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इधर जाएंगे तो क्या होएगा, ऐड हो जाएगा, तो एक्स है, इधर जाएगा तो 4 ऐड हो जाएगा, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4। तो डाउन स्ट्रीम में हम लोग को स्पीड मिल गया इतना, और अप स्ट्रीम में स्पीड मिल गया इतना, क्लियर है। और स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि किलोमीटर पर आवर में है। तो इसमें पूछा गया शांत जल में नाव की चाल, जो हम लोग एक्स माने हैं, तो जो भी हम लोग एक्स का वैल्यू आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कुल टाइम 2 घंटा दिया गया है, तो इसका हम लोग टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हम लोग का 6 है और स्पीड हम लोग का x प्लस 4 है। उसी तरीके से इसका टाइम निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हम लोग का 6 है और स्पीड हम लोग का x माइनस 4 है। और यहाँ पर कुल टाइम दिया गया 2 घंटा, तो कुल कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए तब ना टोटल हो जाएगा। तो 6 बाय x प्लस 4 इधर का टाइम, और इधर का टाइम x माइनस इतना है, ठीक है, 6 बाय x माइनस 4 है। अब दोनों को मिला करके कितना दिया गया है, तो 2 घंटा है, क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। हम लोग को निकालना है स्टिल वाटर में, शांत जल में, तो शांत जल में कितना है, x, तो जो x का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए इसका हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4, फिर x माइनस 4, इधर 2 है, रहने देते हैं। अब देखिए ये x प्लस 4 कट जाएगा, तो 6 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 × x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये वाला x माइनस 4 वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 4, तो 6 × x प्लस 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन का हम एक एक स्टेप बताएंगे, ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब देखिए अब इसमें भी आप लोग स्टेप बाउंस कर सकते हैं, क्लियर, लेकिन हम एक एक स्टेप बता देंगे ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 × x कितना हो जाएगा, 6x, 6 − 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, 6 × 4 = 24, या प्लस है तो प्लस, और प्लस प्लस हो जाएगा, 6 × x, 6x हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 6 × 4 = 24। अब देखिए −24 और +24 ये तो कट जाएगा, और नीचे में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला में टूटेगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर, तो a के जगह पे x है तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 = 2।
अब यहाँ पे देखिए 6x है और ये 6x कितना हो जाएगा, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस में है और ये भी प्लस में, तो जुड़ जाएगा दोनों, तो 12x हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × x² तो 2x² माइनस है तो माइनस, 16 × 32 इतना दिक्कत नहीं है। अब दोनों को एक साइड कर लेते हैं, इसको उस पार ले जाइए तो इधर 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x² - 32, और इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 12x। अब ये देखिए 3 पद है, इसको 4 पद में तोड़ेंगे, थोड़ा सा इसको और थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x², फिर एक्स वाला को लिखेंगे, फिर 32 इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा पलट के लिख दिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब इसमें देखिए कॉमन आएगा 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा x², फिर माइनस है 2 का पहाड़ा में 6 बार में, तो 6x हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस 2 का टेबल में ये 16 बार में इज इक्वल टू 0। अब 2 को अगर इधर लेके चले जाएंगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो इधर बचेगा x² - 6x - 16 इज इक्वल टू 0, और ये डिवाइड में चल जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग को ऐसे कैलकुलेट करना है कि ये 6x आ जाए। अब 16 को देखिए हम लोग अगर 8 × 2 करते हैं, ठीक है 16 को थोड़ा फैक्टर कर लीजिएगा साइड में, तो 8 × 2 अगर कर रहे हैं तो 16 हो जा रहा है, और 8 से 2 घटाएंगे तो 6 हो जा रहा है, क्लियर है? तो ऐसा होना चाहिए, तो x² - 8x - +2x अगर लिखेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है, इसको घटाएंगे तो इतना हो जा रहा है -16 इज इक्वल टू, देखिए इसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में एक्स कॉमन आएगा, ठीक है इस दोनों में एक्स कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या x - 8। अब इसमें प्लस है तो प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का टेबल में ये एक्स 2 2 कट जाएगा, एक्स बचेगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 8 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं x+2, और दोनों में x - 8 है तो एक बार लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे लिख सकते हैं x+2 इज इक्वल टू 0, और इसमें x - 8 इज इक्वल टू 0, इसके साथ एक बार लिखें एक बार इसके साथ लिखें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x = 2 को इधर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, अब x = इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हमेशा प्लस वाला ही लेते हैं, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है? तो दोनों तरीका आप लोग को जान के रखना जरूरी है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला ऑप्शन हिट से सॉल्व करेंगे और फिर इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन हिट, तो इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, एक नाव एक धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय कर पुनः प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, ठीक है मतलब जितना दूरी वो गया और उतना ही दूरी वो वापस आता है, तो इसका मतलब ये क्या है, हम लोग को पहले ये तो लिखना ही है, डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर और अप स्ट्रीम, तो ये क्या कर रहा है, जा रहा है और आ रहा है, इसका मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है और डाउन स्ट्रीम में आ रहा है, क्लियर है? तो उसे जाने तथा लौटने में कुल 8 घंटे का समय लगता है, यदि धारा एवं नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वाला सेंटेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए धारा और नाव की चाल, मतलब धारा का तो चाल है ही, तो धारा का चाल को हम लोग भी लिखते हैं, और वो हम लोग को दिया गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव का भी चाल दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए धारा का चाल मतलब क्या, नदी का पानी जो अपने आप बह रहा है, तो नदी का पानी का जो स्पीड है वो दिया गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो नाव चला रहा है वो नाव भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है, तो आप लोग खुद बोलिए कि इधर जाएगा तो कितना होगा। तो ऐसा केस में जब डाउन स्ट्रीम में जब जाएंगे तो वो 8 वाला जो है वो इसमें भी स्पीड हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। अब क्यों ऐड होगा ये तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है तो पानी अपना बहाव लगा रहा है 2 किलोमीटर का, और जो नाव चला रहा है वो भी तो 8 का स्पीड लगा रहा है, तो कुल मिला के स्पीड कितना हो जाएगा, तो 2 और 8 10 हो जाएगा, क्लियर? अगर उतना माइंड नहीं लगाना है तो डाउन स्ट्रीम में जब भी ऐसा केस में करेंगे तो हम लोग ऐड कर देंगे, नाव का जब भी स्पीड दिया रहेगा तो नाव का स्पीड को वेलोसिटी से ऐड कर देंगे, तो हम लोग का डाउन स्ट्रीम निकल के आ जाता है, क्लियर? और इसी को वेलोसिटी को अगर नाव का स्पीड से घटा देंगे तो हम लोग का अप स्ट्रीम में स्पीड आ जाता है, तो इसमें 8 का स्पीड है और 2 है यहाँ पे, तो घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, तो दोनों जगह का स्पीड हम लोग को निकल के आ गया, तो ये वाला भी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्लियर? तो स्टील वाटर फाइंड करना बहुत आसान होता है, क्या करते हैं ये दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो दोनों को जोड़िए तो 10 और 6 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, क्लियर? तो तीनों का स्पीड हम लोग को निकल के आ गया, तो पूछा क्या गया है वो हमको फाइंड करना है, तो धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगी, तो हम लोग को डिस्टेंस पूछा गया और वो भी धारा की दिशा में, मतलब इधर, क्लियर है? डाउन स्ट्रीम में दोनों दिशा में डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, तो धारा की दिशा में पूछा गया है डिस्टेंस, तो हम लोग को स्पीड पता है यहाँ पे 10 का स्पीड है, और टाइम हम लोग को पता है, क्लियर है? टाइम हम लोग को पता है, इतना ही दिया गया है, लेकिन डिस्टेंस हम लोग को पता करना है, तो हम लोग ये चारों जो ऑप्शन है इसमें से डिस्टेंस मान लेंगे, तो ऑप्शन ए हम लोग लेके चलते हैं, 30 हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं, क्लियर? तो इधर भी डिस्टेंस कितना होगा, 30 ही होगा, लेकिन हमको तो फाइंड करना है दोनों साइड का ही हमको फाइंड करना है, क्लियर? तो इधर भी डिस्टेंस हम लोग 30 ले लेते हैं,
स्पीड हम लोग का 6 हो जाएगा। तो टाइम देखिए हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हम लोग का 30 है और स्पीड हम लोग का 10 है, तो इसे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 घंटा। क्लियर? और इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 30 है और स्पीड कितना है 6 है, तो 6 5 30, तो इधर 5 हो गया। ठीक है, इधर 5 हो गया और इधर आप लोगों का इधर आ गया 3 आ गया, इससे इसको काटे तो 3 आ गया था, तो 3 घंटा। इधर 3 और इधर 5 कितना हो गया, 3 और 5 8 घंटा हो रहा है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कुल 8 घंटा का समय लग रहा है। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन हिट का मदद से सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीका से भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसका बेसिक तरीका भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग को डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर और अप स्ट्रीम, ये तीनों तो लिखना ही है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें दिया गया है एक नाव, ठीक है, एक नाविक जो है धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय कर पुनः प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। मतलब जितना दूरी जाता है उतना ही दूरी आता है। तो हम इधर डिस्टेंस अगर एक्स मानेंगे तो इधर भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स किलोमीटर। क्लियर है? और ये सब किलोमीटर में हम लिए हैं। अब बोल रहा है तो उसे जाने तथा लौटने में कुल 8 घंटे का समय लग रहा है। तो दोनों मिला के 8 घंटे का समय लग रहा है। यदि धारा और नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल 2 है। क्लियर? भी हम लोग को दिया गया 2, और जब भी नाव का चाल दिया जाएगा तो वेलोसिटी से अगर ऐड करेंगे तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकल के आ जाएगा। तो 8 और 2 10 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा, 8 से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इधर स्पीड निकल गया, इसका भी स्पीड निकल गया, और इसका हमको डिस्टेंस पता है। तो हम लोग टाइम इजिली फाइंड कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग का एक्स है और स्पीड हम लोग का 10 है, और इधर भी हम लोग टाइम फाइंड कर लेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग का एक्स है और स्पीड हम लोग का 6 है। तो दोनों टाइम निकल के आ गया, और यहाँ पर कुल समय दिया गया है, कुल 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो कुल कर दीजिए समय को, इतना समय और इतना समय, टोटल को ऐड कर दीजिए। तो एक्स प्लस 10 प्लस एक्स बाई 6 कुल बोला गया, इसीलिए ऐड कर रहे हैं। और कुल कितना लग रहा है, तो कुल दोनों को मिला के 8 घंटे का लग रहा है। अभी इस छोटा सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे इसका तो 30 आएगा। तो 10 का पहाड़ा में 3 बार में, और एक्स है तो एक्स, 6 का पहाड़ा में 5 बार में, एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। अब ये 30 इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 और 5 इधर कितना हो गया, 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 30, यही होगा। अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का बचेगा क्या, एक्स इज इक्वल टू 30। क्लियर? तो जाकर वापस आने में कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हम लोग का निकल के आ गया 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, उसने धारा की दिशा में कितनी दूरी तय की, तो धारा की दिशा मतलब क्या, इधर। क्लियर? धारा की दिशा मतलब इधर, खाली एक ही गो हम लोग को डिस्टेंस पूछा गया है। क्लियर? तो वो हम लोग को कितना होगा, एक्स माने थे तो एक्स का निकल के आ गया 30। अगर ये पूछता जाकर वापस आने में कितना दूरी तय करता, या फिर कुल दूरी कितना तय किया, तो कुल दूरी कितना तय किया, अगर ये पूछता तो एक्स इधर और एक्स इधर कितना 2x दूरी तय किया। तो एक्स का वैल्यू अगर 30 आया तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 2 मतलब 60 किलोमीटर। क्लियर है? तो अगर पूछता कि दोनों और कुल दूरी कितना होगा तब ये आंसर होता, लेकिन इधर पूछा गया धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो एक्स ही किलोमीटर गया ना, तो एक्स का वैल्यू 30 आया, तो हम लोग का आंसर 30 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दिया गया है एक आदमी शांत जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर और अप स्ट्रीम। और शांत जल में गति दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्टील वाटर में उसका गति दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा से दुगनी है, ये वाला थोड़ा समझिए, यदि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में, बहाव की विपरीत दिशा से दुगनी है, तो मान लेते हैं विपरीत दिशा में जो है, ठीक है, 1 है, तो इधर कितना होगा, उसका दुगना 2 है, तो ये एक रेशियो बन के आ गया। तो देखिए ये रेशियो हम लोग को बन के आ गया, तो हम लोग को स्टील वाटर निकालना बहुत ही आसान रहता है। स्टील वाटर कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 करते हैं, तो ये तो माइंड में हम लोग कर सकते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 1.5 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हम लोग को निकल के आ गया। तो हम लोग को पूछा गया है नदी की गति, तो नदी की गति मतलब क्या, धारा की गति पूछा गया, मतलब वेलोसिटी हम लोग को पूछा गया है। क्लियर? तो वेलोसिटी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो 1.5 को किससे गुना करेंगे कि 6 होगा, तो 1.5 को मतलब 1.5 को अगर 4 से गुना करते तो 6 हो जाता है। तो इधर भी 4 से गुना कर दीजिए, 4 × 2 = 8 हो जाएगा इसका, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे तो तीनों को इक्वल से गुना करेंगे। क्लियर है? तो 1 × 4 = 4 हो जाएगा। तो हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम निकल के आ गया 8, माइनस है तो माइनस देना है, अप स्ट्रीम हो गया 4/2, तो 8 से 4 घटाएंगे तो 4/2, तो कितना हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हम लोग का वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम लोग सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका बेसिक तरीका,
सबसे पहले तो आप लोग को लिख लेना है डाउन स्ट्रीम स्टील वाटर और अप स्ट्रीम। अब क्वेश्चन को पढ़िए, एक आदमी की शांत जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्टील के वाटर में 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड दिया गया है उसकी गति, ठीक है। यदि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा से दुगनी है, ठीक है, बहाव के विपरीत दिशा से इसका गति क्या है, दुगना है, तो इसको अगर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है। तो नदी की गति बताइए, तो हम लोग को वेलोसिटी पूछा गया है, हम लोग को फाइंड करना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों फाइंड करना जरूरी है। तो देखिए फाइंड कर लेते हैं, तो स्टील वाटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई टू। देखिए जो वैल्यू दिया रहता है ना उसी का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तभी हम लोग का सॉल्यूशन होगा, तो ये हम लोग को दिया गया है इसीलिए इसका फॉर्मूला लगाए हैं, बट हम लोग को फाइंड करने बोला गया भी, क्लियर है। तो डायरेक्टली फी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टील वाटर 6 है तो 6 लिखेंगे, और डाउन स्ट्रीम है 2x और अप स्ट्रीम है x बाई टू। अब इधर ये चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 2 = 12 इज इक्वल टू 2x और x कितना होगा 3x। अब 3 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो है 4 निकल के आ गया, तो यहाँ पुट कर दीजिए तो 4 × 2 इधर कितना हो जाएगा 2x का वैल्यू 2 × 4 हो जाएगा, क्लियर। x का वैल्यू जो है पुट कर दिए तो हो जाएगा इधर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर x है तो x का वैल्यू 4 आया, तो इधर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब वेलोसिटी हम लोग को इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई टू। तो डाउन स्ट्रीम हम लोग को दिया गया 8 माइनस अप स्ट्रीम है 4 बाई टू, तो 8 से 4 घटाएंगे 4/2, तो इससे काट देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।